एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह, और आज का मुद्दा है राहुल की अगस्त क्रांति। दरअसल राजस्थान के चुनाव में आदिवासी वोट काफी अहम रहने वाले हैं। बीजेपी और कांग्रेस इस वर्ग को अपने साथ रखने के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। 9 अगस्त यानी कल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मानगढ़ धाम में, बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विशाल रैली होगी, जहां पिछले साल नवंबर में पीएम मोदी ने पहुंचकर आदिवासियों को संबोधित किया था। अब राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के पुराने वादों का हिसाब मांगा है, तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। राहुल गांधी फूकेंगे विधानसभा चुनाव का बिगुल, मानगढ़ से भरेंगे हुंकार। कांग्रेस की आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश। कल आप जानते हैं राहुल गांधी जी मानगढ़ धाम पर आ रहे हैं, कल आदिवासी दिवस है। पीसीसी चीफ ने कांग्रेस को आदिवासियों का बताया सच्चा हितैषी। कांग्रेस का आदिवासियों के साथ गहरा हमेशा से लगाव रहा है, और आदिवासियों के लिए जो यूपीए सरकार या कांग्रेस की सरकारों ने किया है, वैसा भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार में कभी कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने कहा राहुल कांग्रेस के पिछले वादों का दे हिसाब। लेकिन राजस्थान की जनता राहुल जी से ये भी जानना चाहती है कि 4.5 साल पहले आपके नेतृत्व में राजस्थान के चुनाव के समय कुछ वादे आपने किए थे, चाहे किसानों की कर्ज माफी का मामला होगा, युवाओं के रोजगार की बात होगी। राहुल की अगस्त क्रांति। तो राहुल की अगस्त क्रांति, इसी मुद्दे पर आइए चर्चा में स्वागत करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका परिचय कराते हैं। शैलेंद्र भाई साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत आपका शैलेंद्र जी। किशोर शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत किशोर जी। महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। किशोर शर्मा जी, पहला सवाल आपसे, और वो ये कि कल का राहुल गांधी का ये दौरा राजस्थान कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और कल राहुल गांधी राजस्थान सरकार के वो कौन से काम बताएंगे जो राजस्थान के लोगों के लिए किए गए हैं और मुख्य तौर पर आदिवासियों के हितों के लिए किए गए हैं? देखिए, कल आदिवासी दिवस है, और लंबे समय से आजादी के समय से आजादी के संघर्ष में आदिवासियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर, कंधे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। ये रिश्ता कोई नया नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना है। इस रिश्ते की अहमियत कांग्रेस समझती है आदिवासियों के साथ, इसलिए जो दौरा है, दौरा भाईचारे का दौरा है, बड़ा प्यार का दौरा है, और ये हमारे ये विरासत और धरोहर को संभालने का रिश्ता है। इसको आप जो लोग बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई भी धर्म, जाति और समाज और पंथ, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अन्य पार्टियों के लिए वोट बैंक हो सकता है, लेकिन हमारे लिए धरोहर है। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, और कल क्या होने वाला है इसका तो इंतजार कर लीजिए, लेकिन एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जब आदिवासियों को बड़ा इंतजार था कि नरेंद्र मोदी आएंगे और बड़ा पिटारा खोल देंगे, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, वो आए और राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर लगे मानगढ़ धाम में आए, और आके उन्होंने उस जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उनको बड़ी निराशा लगी। सिर्फ वो आते हैं अपनी जमीन तलाशने, लेकिन आदिवासियों कुछ देख के नहीं जाते। प्रधानमंत्री हैं, बड़ा अधिकार लेकर रखते हैं आदिवासी, लेकिन चूंकि उनका अटैचमेंट उनके साथ कभी नहीं रहा, इसलिए वो देखे भी नहीं जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जब आए तो कुछ ना कुछ राजस्थान के लिए और राजस्थान के आदिवासियों के लिए देख के आए, और है इसलिए नहीं, सच बता दिया जाए आपको कि वो आदिवासियों के जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं और नियम हैं उनको तोड़ने के लिए समान नागरिक संहिता लाने में व्यस्त हैं। किशोर जी, आपने कहा कि आप धरोहर मानते हैं जाति विशेष वर्ग को, ये बताएं कि कांग्रेस को क्या आदिवासियों के वोट नहीं चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, आप लोग इसको वोट की तरह काउंट करते हो, भारतीय जनता पार्टी को लगता है वोट है, लेकिन हमारे लिए विरासत है, ये धरोहर है हमारी, हमने कभी इनको वोट की तरह काउंट नहीं किया। इसलिए
जब भी कोई विकास की बात आती है तो हर जातीय समाज का जो उनका हक होता है उसको बगैर मांगे हम लोग देते हैं। मानगढ़ धाम कोई मामूली चीज़ नहीं है, आज़ादी आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन बड़ा बड़ा ही योगदान रहा है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 आदिवासियों का की शहादत हुई थी और उस शहादत को याद करने के लिए केंद्र सरकार ने आज़ादी का अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन उस शहादत के लिए मानगढ़ धाम के लिए नरेंद्र मोदी के पास कुछ भी नहीं देने को, ठीक है, बहुत अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक नहीं घोषित किया, कुछ नहीं दिया, कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने आदिवासियों को क्या दिया? देखिए, यदि इस बात को आप करेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट है, और ये भी मैं दावा करता हूं इस बात को कि कांग्रेस के अलावा किसी ने नहीं दिया। लिस्ट पर आइए, 1975, हाँ मैं आ रहा हूं उस पर लिस्ट पे। 1975 में 1975 में इस पूरे के पूरे एरिया को TSP घोषित किया ताकि इनके अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। हरदेव जोशी मुख्यमंत्री रहे आदिवासी क्षेत्र से, यह बड़ा सम्मान था उस क्षेत्र के लिए। माही डैम बनाया और 1982 में इंदिरा गांधी जी ने उसको लोकार्पित किया। और एक बात बता देना चाहता हूं आपको, 2012 में यूपी की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रतलाम डूंगरपुर के लिए 1200 करोड़ स्वीकृत किए थे, इस पर 100 करोड़ से अधिक पैसा खर्च हो चुका है। सरकार अब नरेंद्र मोदी की है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के है। उस योजना को रतलाम डूंगरपुर जो आदिवासियों कनेक्ट करने वाली योजना थी उसको खाली उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाला? अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं, राजस्थान से ताल्लुकात रखते हैं, वो यहाँ सूंघने आते हैं कि राजस्थान में सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसका अगला पॉइंट, क्यों नहीं कर रहे जी? इस लिस्ट का अगला पॉइंट सर, 1975 की बात होगी, 2012 की होगी, मैं तो सोच रहा था थोड़ा 2018 से 2023 के आधे छह महीनों की बताते हैं, आप कुछ बताइए 2018। हाँ बताता हूँ ना आपको, गोविंद गुरु विश्वविद्यालय हमने शुरू किया और ट्राइबल यूनिवर्सिटी शुरू की, इसलिए शुरू की कि वहां के लोगों को शिक्षा दी जा सके। कालीभाई भील स्कूटी योजना है, उसमें हम कम से कम 2 लाख से अधिक बच्चियों को स्कूटी देने जा रहे हैं जी। हमने हर क्षेत्र में हर एक एक पॉइंट का ध्यान रखा है और हर वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। शैलेंद्र भाई जी, बहुत लंबी लिस्ट है आदिवासियों को जो कुछ कांग्रेस की सरकार ने दिया है, धरोहर के रूप में वो देखते हैं, और बीजेपी राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं कर पाई केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरा आरोप ये भी है कि रतलाम डूंगरपुर रेल योजना को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह जी ने घोषित किया था। रविंदर जी, आप देखिए जो ये ऐतिहासिक रिश्ता बता रहे हैं आदिवासी समाज से, और आज तक उनको इतिहास में जगह नहीं मिली, ये देखिए बड़ा ताज्जुब की बात है। जलियांवाला हत्याकांड से बड़ा वहां पर बलिदान हुआ आदिवासी समाज का, और उसको इतिहास में नकार दिया गया। आदिवासियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। ये बड़ी बड़ी ऐतिहासिक रिश्ते की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय स्मारक आपने घोषित कर दिया था क्या? आपने वहां क्या डेवलपमेंट किया मानगढ़ धाम पर? आपने आदिवासियों को क्या सम्मान दिया? मैं आपको बताता हूं, 2004 में जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, वसुंधरा सरकार, तब हमने वहां पर एक दूनी हॉल बनाने का काम किया। जब आप देखिए प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने वहां पर सड़कों का जाल बिछाया, सड़क बनाई। अरे सुनो, आप जब आपके पास गिनाने को कुछ है नहीं तो आप तसल्ली से सुनो। और उसके बाद 2017 में वहां पर पैनोरामा बना, और वहां की जो संस्कृति, आदिवासी समाज की संस्कृति, कला और वहां का इतिहास जो है वो उस संग्रहालय में प्रदर्शित हुआ। चाकी रतलाम डूंगरपुर रेल लाइन, यहाँ आदिवासी रेल ट्रैक और ट्रेन कभी देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, और राष्ट्रीय स्मारक घोषित होगा या नहीं होगा, क्या अड़चन है इसमें? शैलेंद्र जी, रविंदर जी, आप देखिए बिल्कुल, आप आदिवासियों को सम्मान अगर किसी ने दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मान के साथ साथ काम भी चाहिए सर। बिल्कुल काम भी है, आप देखिए मैं आपको बताता हूं, आदिवासी ने पूछा कि बीजेपी केंद्र सरकार तो बता दें, इनके सांसद तो बता दें कि किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए क्या किया आपने? को बढ़ावा मिला, आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हुआ और किस तरह से रोजगार का सृजन हुआ, ये आप बताइए। और जो ये बता रहे हैं वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। और एक बात बताइए, जब आपकी सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, आप तो हितेशी बनते हो, जब 2004 से 14 यूपीए की सरकार थी, 2008 से 13 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान में मुख्यमंत्री थे, तब आपको याद नहीं है आदिवासी समाज की? आदिवासी समाज के लिए आपने कुछ किया नहीं है। हमने आपको बताऊं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज
कम से कम एक दर्जन से अधिक योजनाएं जो चल रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। आदिवासी युवाओं की हम शिक्षा जी, परंपरागत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का भी विकास करना चाहते हैं। 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों की स्थापना की है पूरे भारत में आदिवासियों के लिए। आप देखिए वन उपज, जो आदिवासियों का वन उपज था 2014 में 8 से 9 वन उपज थे एमएसपी के दायरे में, आज 90 वन उपज हो चुके हैं एमएसपी के दायरे में। आप देखिए जिस हिसाब से उनकी सृजन कला है, आदिवासी समाज एक बहुत ही कलाकार समाज है, उनके हाथों में इतनी जबरदस्त जादुई शक्ति है कि उनकी सृजन सकता उस सृजन जी 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 देशों में भेजने का काम किया है, पोर्टल बनाया है कि वो अपने माल को मार्केट जी में सके। महेश शर्मा सर, ये कांग्रेस और बीजेपी के दोनों प्रवक्ताओं को बड़े इत्मीनान से आपने भी सुना, हमने भी सुना, जनता ने भी सुना। कानूनों में हमने वन कानूनों को सुरक्षित किया। एक किशोर जी और किशोर जी और सर 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 प्लीज प्लीज वन बंधु कल्याण योजना बताएं मेरे को महेश शर्मा सर, ये किसकी लिस्ट लंबी है और किसकी लिस्ट दमदार है, और असल में आदिवासियों को फायदा राजस्थान की अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कितना मिला, कितना फायदा हुआ? देखिए जहां तक सवाल है, ये जो सभा का आयोजन हो रहा है ये मुख्य रूप से एक तरह से चुनावी आगाजी समझिए, क्योंकि नवम्बर तक तो चुनाव होने हैं विधानसभा के, और चूंकि आदिवासी की 28 सीटें हैं राजस्थान में, उन पर प्रभाव स्थापित करने के लिए ये सारी चीजें आम सभाएं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस जी, ये सब मिलकर अलग अलग टाइम पे अलग अलग अब चुनाव सभाएं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश की करेंगे ये। अब आप ये राहुल गांधी की जो सुबह जो सभा है वो इसलिए कि कांग्रेस इन्हें बताना चाह रही है कि अपने अपने क्षेत्र राज्य में उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट किए क्या नहीं जी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मुद्दा जो उठाया जा रहा है वो यह है कि इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। बिल्कुल, तो इस संबंध में ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इससे जुड़े हुए 3 सरकारों की बातें हैं, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ प्रधानमंत्री ने इसमें महाराष्ट्र को भी जोड़ा है, ताकि जिससे एक विस्तृत प्रोग्राम बना करके इस पे मतलब कोई आगे की कार्रवाई की जाए। ये बहुत अच्छी योजना है, योजनाएं तो अच्छी हैं, बनती भी हैं, लेकिन स्मारक कोई किसी भी जो क्षेत्र में अगर स्मारक से कोई डेवलपमेंट होता हो तो मैं नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदिवासी के जीवन में कितना परिवर्तन आया, उसको मुख्य धारा में लाने में क्या प्रयास किए गए, या उनको मतलब क्या क्या उनको जो आदिवासियों को जो राइट मिलने चाहिए और जो उनके जीवन साधन जो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जी, वो कितने हुए हैं। ये दोनों सरकारों को चिंतन करने की आवश्यकता है। आज ये जो बीपीटी, आप दोनों दलों को ये देखना पड़ेगा कि वहां पे बीपीटी जो एक नई पार्टी जो है वो क्यों अपना नया वजूद बना रही है जी, और उसके 2 विधायक कैसे चुन के आए हैं। ये दोनों चीजों इनके दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बनी हुई है। एक ये मुख्य कारण ये भी है, तो इसलिए दावे कि हमने ये किया, हमने वो करे, हमने वो किया, बहुत अच्छी बात। महेश शर्मा सर, आपने यहाँ पर कही कि अधिकार कितने मिल रहे हैं, कितनी नौकरी मिल रही है, कितना पलायन इन समाज के लोगों का रुक रहा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। निरंजन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री के हवाले से एक बात निकलकर सामने आई कल राहुल गांधी के दौरे से पहले कि एसटी के प्रकरणों में कन्विक्शन रेट जो है सरकार की तरफ से बताया गया कि 45% है कन्विक्शन रेट, और भारत का औसत रेट 28% हो जाता है, और एससी और एसटी को मिलाकर जो अत्याचार है उसमें इस साल पिछले साल की तुलना में 4% कमी आई है, यानी कि अत्याचार एसटी के खिलाफ राजस्थान सरकार में नहीं हो रहे हैं, उसमें कमी आ रही है, और अगर हो रहे हैं तो फिर वो कन्विक्टेड भी हो रहे हैं, वो दोषी भी सिद्ध पाए जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा देना राहुल गांधी की इस दौरे से पहले कितना जरूरी हो जाता है, और राहुल गांधी का यह दौरा तो वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस मानकर चल ही रही है। देखिए रविंद्र जी, राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आती हैं तो इस तरीके के आंकड़ों की बाजीगिरी तो सब सारी पार्टियां खेलती हैं, लेकिन यहां पे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आदिवासी समाज के मन में विश्वास उत्पन्न कर पाए हैं क्या, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है। और जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे, आज आप ये मान के चलिए लगभग
30 से 35 सीटों के ऊपर जिस तरीके से आदिवासी समाज का प्रभाव है, राजस्थान की बात करूं, राजस्थान विधानसभा की, तो दोनों पार्टियां कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के ऊपर अपना दावा और अपना आधिपत्य साबित करने पे लगे हुए हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि एक अरसा पहले जिस तरीके से अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, एक अरसा पहले ये आदिवासी समाज लाइन लग करके कांग्रेस की समझ लीजिए एक बपोती हुआ करता था, संपत्ति हुआ करता था। कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जिस तरीके से इनकी एक अवहेलना की गई, इनके प्रति एक उदासीनता दिखाई गई, कहीं ना कहीं उससे आदिवासी समाज, आपने देखा होगा पिछले दो चुनावों की अगर बात करें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं या तो वो बीटीपी की तरफ यानी कि ट्राइबल्स पार्टी की तरफ गया है या फिर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। उनका कांग्रेस से उनका निश्चित रूप से मोह भंग हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी जी मान लीजिए वहां पे जा रहे हैं और जब मानगढ़ के अंदर जिस तरीके से अपनी सभा करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस प्रयास कर रही है कि भाई अपना चाहे आंकड़ों की बाजीगरी दिखा करके किसी भी तरीके से जो ट्राइबल्स लोग है यानी कि जो आदिवासी समाज है उसको साथ अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन नंबरों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पर बिठाया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आदिवासी समाज को यह भी अपना एक मान सम्मान और अपना एक प्रतीक उनको महसूस होगा कि भाई हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को इतना बड़ा सम्मान दिया कि हमारे समाज के हमारे समाज में से आने वाले एक व्यक्ति को एक सर्वोच्च पद पे बिठाया, तो इसका भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ होना चाहिए। रविंद्र जी, किशोर शर्मा जी बताएं। रविंद्र, मेरा मानना यह कि विश्लेषक को एक निष्पक्ष बातचीत करनी चाहिए और ये जो इनका जो आंकलन है, मैं पिछली बार भी इस आंकलन में था, वो बहुत निष्पक्ष नहीं है। इनका शब्द उपयोग किया बपोती मोई शब्द पर आपत्ति है। ये जिस बात को कहते हैं कि आदिवासी मान सम्मान, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप भी कह रहा हूँ इस बात को कि अब आदिवासियों से हमारा पुराना संबंध है और इसको बरकरार रखने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारा विकास कराया। जो आंकड़े दिए गए विधानसभा चुनावों के उसको हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि पार्टी किसी से भी चुने गए हैं वो लोग, लेकिन आज हमारी सरकार के साथ हैं। विधानसभा व्हीप जारी होने के बावजूद भी 5 विधायक अनुपस्थित रहे क्योंकि उनको विकास चाहिए था और ये उनकी खुद की मर्जी नहीं थी, जनादेश था। जनादेश ने उनका कहना था जनता का कि आपको उस सरकार के साथ रहना है जो सरकार विकास की यात्रा कर रही है। जो बीटीपी शायद ये जो विधायक है वो विधायक भी हमारे साथ रहे, निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ। किशोर जी ये मानकर चल रहे हैं पिछली 2 बार जो समर्थन नहीं मिला इस बार कांग्रेस समर्थन हासिल कर लेगी? रविंद्र, डेफिनेटली सारी चीज का फर्क तो पड़ता है, लेकिन हम आपको साफ, जैसे हमने पहले कहा, इस बार भी आपको यही कह रहा हूं कि हम सिर्फ वोट बैंक के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते, हम सामाजिक सेवा के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी है तो निश्चित तौर पर शैलेंद्र भाई जी बताइए, ये क्या कारण रहा कि 5 विधायकों का, आदिवासी समाज से आने वालों का यहां कांग्रेस को समर्थन मिला और बीटीपी के विधायकों का भी यहां दावा करते हुए किशोर जी दिखाई दे रहे हैं कि उनका भी समर्थन मिला और हमेशा आदिवासी समाज जो सरकार उनके हित में काम करती है उनके साथ खड़ी होती है? रविंदर जी, आप देखिए जो ये दावा कर रहे हैं ऐतिहासिक रिश्ते का, तो आप बता दीजिए ऐसा कौन सा कांग्रेस का प्रधानमंत्री हुआ इस देश में जो मानगढ़ धाम पर आया हो, कभी आदिवासियों को सम्मान दिया हो, कभी इन्होंने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया क्या, या कोई उच्च पद पर इन्होंने कभी बिठाया? नहीं बिठाया। तो ये सिर्फ बातें करते हैं और वोटों की फसल काटने आते हैं। आप देखिए अगर आदिवासियों का सम्मान किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। जो इनके भगवान बिरसा मुंडा है उसको हमने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया। हमने जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रहे भारत में, 10 ऐसे संग्रहालय बनाए ताकि राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता को पता चल सके कि आदिवासियों की क्या इतिहास है, कला संस्कृति परंपराएं हैं, वो हमने किया। आप देखिए किताब लिखी जाएगी मानगढ़ धाम पर कि किस तरह से उस पवित्र शहादत वाली भूमि पर जिस पर ये राजनीति करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। महेश शर्मा सर मुझे बताएं आप, महेश शर्मा सर मुझे बताएं कि आदिवासी समाज इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या बीजेपी में से जिसको चुनेगा क्या उसके लिए सरकार बनाना आसान होगा? महेश शर्मा सर, बस एक महेश सर, आदिवासी समाज जिसके साथ इन चुनावों में खड़ा होगा सरकार क्या उन्हीं की बन रही है?
हाँ बिल्कुल, यह ऐसा है कि जो आदिवासी समाज है, समाज जो भी चुनाव चुनाव की बात अलग है, स्ट्रेटेजी अलग बनती है, कैंडिडेट क्या होते हैं, ये सब तो एक अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदिवासी के जीवन में क्या अब तक का विकास हुआ है, ये दोनों पार्टियों के लिए चिंतन का विषय है। सवाल ये है कि उनका जीवन में क्या, उनका प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है, उनके क्षेत्रों में बुनियादी विकास कितने हुए हैं। आज भी मतलब क्या कहता है ना, ये उदयपुर और के भासवाड़ा, डूंगरपुर और ये जो आदिवासी क्षेत्र है, वो न तो सड़कों यहाँ तक कि रेल, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मैं इस पर बहुत अच्छी आपने पॉइंट को रेज किया और आखिर में मैं इसका जवाब जरा ले लेता हूँ निरंजन जी से। सर ये बताएं कि ठीक है, आदिवासी वर्ग ये गर्व महसूस कर रहा होगा कि उनके समाज से आने वाली राष्ट्रपति पद तक पहुंची है और वो बीजेपी ने साकार उनका सपना किया है, लेकिन एक आम आदिवासी के जीवन स्तर में कितना सुधार हुआ, कितना वो ऊपर गया, ये भी तो वो देखेंगे। उनके बच्चों को नौकरी मिली, उनको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही, ये भी तो वो देखेंगे। देखिए रविंद्र जी, मेरा यह मानना है कि कुछ समाज होते हैं जो दिल से सोचते हैं, कुछ समाज होते हैं जो दिमाग से सोचते हैं, और आदिवासी समाज हमारा एक वीर, जिसको कहते हैं वीर प्रजाति, इसको कहा जाता है, और ये विशेषकर ये दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। लेकिन सर दिल से जो भी सोचता है, पेट तो दिल के सोचने वाले के, दिमाग से सोचने वाले के पास भी होता है ना सर। ऐसा है रविंद्र जी, आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जब इनको इनको इन सदा इन्होंने सत्ताओं से लड़ने का इनका इतिहास रहा है, चाहे हम मुगल काल की बात करें, चाहे हम आजादी से पहले अंग्रेजों के काल की बात करें, चाहे हम वर्तमान काल की बात करें, तो जो व्यक्ति सत्ताओं से लड़ते हुए अपना जीवन बिताता है, निश्चित रूप से वो दिल से सोचने वाला व्यक्ति, सोचने वाला समाज होता है। सत्ता से लड़ता है लेकिन अपने अधिकारों के लिए अगर वो लड़ाई करने के लिए खड़ा हो गया तो सबके लिए मुश्किल हो सकती है। मैं आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, शैलेंद्र जी, किशोर जी, निरंजन जी और महेश जी, और जाहिर तौर पर वोट बैंक के तौर पर अगर ये दावा किया जाए कि हम नहीं देखते हैं, लेकिन हर लिहाज से आदिवासी आगामी चुनाव में बहुत जरूरी हो जाते हैं, और सरकारों को या पार्टियों को ये चाहिए कि इन लोगों के लिए एक रोड मैप ऐसा तैयार किया जाए ताकि इनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके। एक जल्दी से प्राइम डिबेट कार्ड का सवाल जो हमारा था उस पर नजर डाल देते हैं। 76% 24% इसके आंसर के तौर पर निकल कर आए। राहुल गांधी के मानगढ़ दौरे से कांग्रेस को सियासी फायदा होगा, 76% लोगों का यही मानना है, और ना 24% कहते हैं। अब देखते हैं कि राहुल गांधी के दौरे में कल क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल चारों का एक बार फिर से शुक्रिया। प्राइम डिबेट में आ जाता है।